ये बहुत पुराना हो चुका है खो खो, तो किस तरीके से खेला जाता है आपको पता है? हाँ। आपको ज्यादा मजा वीडियो गेम खेलने में आता है मोबाइल पे या फिर खो खो खेलने में आता है? नहीं, वीडियो गेम में नहीं आता, खो खो। वीडियो गेम से हमारी आंखें खराब होने का भी चांस रहता है। माता की जय। क्या करने वाले स्काउट की ड्रेस पहन के? मजे करने आए हैं। यार आपका गांव बड़ा मतलब ऐसे खूबसूरत जगह में बसा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हरियाली वगैरह है, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहीं के रहने वाले हो सभी? नहीं, अलग गाँव से। कौन कौन से गाँव से हो? मैं और ये बाकी। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं इंडिया टुनाइट शो, आज के शो में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पूरा बड़ी गांव में और यहां की जो गवर्नमेंट स्कूल है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है और इसके माध्यम से जो बच्चे आगे तक पहुंच नहीं पाते गेम्स के अंदर, उन सब बच्चों को आज एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि वो भी अपना जो दमखम है खेल के अंदर वो दिखा सकें और आगे बढ़ सकें। इसी को लेकर पूरी जानकारी हमें देंगे यहाँ के PTI जी सर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो सर नमस्कार। आप नमस्कार सर, आप अपने नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या नाम है? और मेरा सहीरा मील है, वो रामपुरा सीनियर स्कूल में PTI हूँ और ये ग्रामीण ग्राम पंचायत पूरा बड़ी लगती है, इसलिए एक टूर्नामेंट यहाँ हो रही है। तो सर आपके पास ये जिम्मेदारी कब से है? मेरे तो 5 महीने और है, मैं तो रिटायर हो रहा हूँ। हाँ, तो सर आपको कैसा लगता है इस जो अपनी योजना है राज्य सरकार की, इसके माध्यम से बच्चों को किस तरीके से एक मौका मिलेगा, तो आप थोड़ा डिटेल से बता सकते हैं? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है साहब, जो अब स्कूलों से तो हम बच्चों को खिला के लेकिन कई ऐसे हैं कि वो अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको स्कूल के हिसाब से मौका नहीं मिलता है, तो ये एक उनको ग्राउंड मिला है कि इसमें खेल करके अच्छे खिलाड़ी हैं तो वो आगे भी अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। जैसे बच्चों को गेम्स के अंदर, क्योंकि अपन देखते हैं कि गेम्स में ज़्यादातर पेरेंट्स का ये सोचना होता है कि बच्चा जब खेलता है खेलने से ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं कि स्टडी पे ओनली फोकस रखो, खेलना तो बाद की बात है, लेकिन बच्चों का जब सर्वांगीण विकास की अपन बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और तो इस हिसाब से अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या आगे अपॉर्चुनिटी है उसको करियर के हिसाब से भी, क्या गेम बढ़िया कर सकता है कुछ? पहले तो देखो नहीं था, खिलाड़ी खेलता था और वो जब उसका खेल ख़त्म हो गया उसके साथ, क्योंकि उसको आगे भविष्य दिखता था कि कोई सर्विस करें, कोई जॉब करें। अब राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को भी मौका दिया, उनका सरकारी जॉब में भी उनको परसेंटेज मिलता है और अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको पैसे भी देती है गवर्नमेंट इनाम के रूप में और विदेशों में भी भेजती है खेलने के लिए अगर खिलाड़ी उसमें प्रतिभा है तो। जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि यहाँ से जो इस ओलंपियाड के माध्यम से कुछ जैसे कि जिले के अंदर या फिर स्टेट में खेलता है, तो उसमें कितने क्या परसेंटेज की कुछ जो भी सर्विसेज हैं उनके अंदर कुछ छूट मिलती है? किसी खेल कोटा होता है, खेल कोटे में खिलाड़ियों का एडमिशन होता है, सर्विस में जैसे बैंक में है तो खेल कोटे से उनकी भर्ती होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें उनके अलग सीट रिजर्व कर दी गवर्नमेंट ने, तो उस हिसाब से वो अपना फाइट कर सकते हैं एग्ज़ाम। अब लगभग में तो नहीं है लेकिन इस बार कई जैसे RPSC में लास्ट में जिनको पोस्टिंग वगैरह मिलती है तो अगर उनके पास खेल का प्रमाण पत्र था तो उनको इच्छित जिला भी मिला है कईयों को। ऐसा स्वास्थ्य धन दुनिया में सबसे बड़ा धन होता है और गेम के माध्यम से ही उसको अर्न किया जाता है, तो हम स्टूडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा किस तरीके से इस टाइम के जो बच्चे हैं वो गेम्स वीडियो गेम्स में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ना कि वो फिजिकली कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे हैं जो बहुत ही चंचल है, गेम खेल रहे हैं। तो बेटा आप कौन से गेम से हो? खो खो। ये बहुत पुराना हो चुका है खो खो, तो किस तरीके से खेला जाता है आपको पता है? हाँ। कैसे खेला जाता है? हमें तो हमारे PTI सर ने जैसे बताया, जो रूल्स बताए उस हिसाब से हम लोग खेलते हैं गेम में। कैसा है आपको ज्यादा मजा वीडियो गेम खेलने में आता है मोबाइल पे या फिर खो खो खेलने में आता है? नहीं, वीडियो गेम में नहीं आता, खो खेलने में ज्यादा मजा आता है। सच में? पर ये क्या सही बोल रही है बेटा? ये सही बोल रही है, वीडियो गेम से हमारी आंखें खराब होने का भी चांस रहता है। अच्छा। और अगर हम खो खो खेलते हैं तो हमारे शरीर भी फिट रहता है और हम चुस्त रहते हैं। तो जो आपकी जो एज के स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनकी आंखें खराब हो सकती है कि मेरा भाई ज्यादा वीडियो गेम खेलता है इसलिए इसको थोड़ा कम ही दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है रात को जी। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। और जैसे आप खो खो खेलते हो, इसके अलावा आपका जो फेवरेट गेम है वो कौन सा है? खो खो है या फिर और भी? खो खो ही है हमारा फेवरेट गेम। आप सबका खो खो। आगे अगर आपको मौका मिलता तो कहाँ तक खेलना चाहोगे? देश के लिए खेलोगे? यस सर। मेडल जीतोगे? तो उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या आपको वो चीज़ फील होती है यहाँ पे? हाँ मेरे को लगता है। You most welcome।
हमारा यही कहना है, जो राज्य सरकार ये योजना लेकर आई है, ये योजना तो बहुत अच्छी है, स्वागत योग्य की योजना है। इसमें एक तो जो पहले क्या होता था, ये गाँव में स्कूल से जो टीम जाती थी वही जाती थी, उसके बाद में खेल में कोई रुचि नहीं लेता था। ये जो सरकार है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक योजना लेकर आई है, इससे क्या होगी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सभी गेम जो पहले छोड़ देते, जैसे खो खो है, कबड्डी है, अब नए सिरे से लोग तैयारी करें। और एक इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, किसी भी आयु का हो वो ये मैच खेल सकता है। सरकार की थोड़ी कमी रही इसमें ये रही है कि सरकार ने बजट बहुत कम दिया है, जिससे क्या है कि जो शारीरिक शिक्षक है चाहे और कोई शिक्षक है वो रुचि कम ले रहे हैं। रुचि ले लेंगे एक ही कारण है, यहाँ जो सरकारी शिक्षक है या प्रिंसिपल कोई भी है, ग्रामीणों भामाशाओं की मदद से ये आयोजित करवाए जा रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि सरकार बजट थोड़ा और बढ़ाए, बच्चों को और ज़्यादा बढ़िया मौका मिले। यहाँ ग्रामीण जो ग्राम पंचायत है, उसके बाद खेलने के बाद यहाँ से जो छटकर खिलाड़ी जाएंगे वो ब्लॉक स्तर पर खेलेंगे, वहाँ भी बजट कम है। तो सरकार अभी उसमें टाइम है, थोड़ा 12 तारीख के लगभग वो आगे से स्टार्ट होगा ब्लॉक स्तर पर, तो थोड़ा उनका बजट बढ़ाकर सरकार सुनिश्चित करे थोड़ा। आज स्टेट खेल के भी आ चुके हैं, तो क्या कहना आपका स्कूल के अंदर गेम्स की इम्पोर्टेंस आपके लिए? नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह, मैंने वॉलीबॉल से अपने डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट किया है 6-7 टाइम। और गेम एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है और तुस्त दुरुस्त रहता है इसे, और बच्चा इस ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी, जो बच्चे स्कूल से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं ना, उनके लिए ग्रामीण ओलंपिक बहुत अच्छी स्कीम है। और इसमें अभाव कुछ चीज़ों का ही रहा है, जैसे बजट का है, ग्राउंड का है, जैसे जो गेम इसमें इंक्लूड है, इवेंट दिए हैं गेम गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड नहीं है इसका। तो कुछ गेम ऐसे हैं जिनको ग्राउंड प्रोवाइड नहीं हुए हैं, जैसे क्रिकेट का बढ़िया ग्राउंड नहीं है, और जैसे वॉलीबॉल है इसके लिए भी बहुत कम बजट है। तो बजट का मेन इश्यू है इसमें, बाकी हर बंदे को जो गेम से पार्टिसिपेट करता है उसको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट रहता है। जैसे कि आप स्टेट खेले हैं, तो आपको क्या फ़ायदा मिला इसमें? मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बीपीएड कर रहा हूँ, फिजिकल टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसी सर्टिफिकेट के कारण उसी कॉलेज में एडमिशन होता है इसका। हाँ, विदाउट सर्टिफिकेट नहीं हो पाता है। तो साथियों, ये स्कीम आपको कैसी लगी, और आने वाले टाइम में बच्चे क्या आपको लगता है कि इस स्कीम के माध्यम से कहां तक जाएंगे, हमारे गेम के अंदर हमारा देश क्या पूरे विश्व में प्रथम लहराएगा, इसी के आधार पर आपके अपने जो विचार हैं वो जरूर रखिएगा। देखते रहिए इंडिया टुनाइट शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।